सेमाने निजर गुरु को सेवा करी निजो को आदर्श विद्यार्थी रूपे परिगणित करथिले तथापि सेमानक मन रे स्नेह ओ अनुराग कमी नथिला। आसंतु नाटकटी को देखिबा। हे महात्मा आम आप कथबार्ता कला बेले बहु समय आपण आखि को अश्रुपूर्ण देखु यही दुखर निश्चित कौन सी दृढ़ कारण थी दयाक आम को कह शिष्य आश्रम रे तुम्हार उपस्थिति जो बहुत सांत्वना और आनंद लाभ करुच्छ कि बेले बेले मोर हर पुहर कथा मन पड़ जा आमको कहतु गुरुजी तांकर कौन होई एवं से केउठी अछ आमे निश्चय तांको फेराई आनी। शिष्य बहु वर्षर तपस्या परे मु गोटिए पुत्र पाइछि मु तांको बहुत स्नेह और आनंदर सहित बढ़ाई दिली किंतु से दिन स्नान करबा पई प्रवास क्षेत्र को जाइथिला से सेठारे स्नान करबा समय रे अचानक बुड़ी गला ओ से दिन ठारु गभीर शोक रे निमज्जित होई अछि किंतु आश्रम रे तुम्हारो उपस्थिति प्रवेश दिन ठारु बहुत आनंदित होई अछि तुमे माने अति उत्तम विनम्र ओ श्रृंखलित मते दुख लागुछि शिष्य कारण दिने दुई दिन परे तुमे आश्रम छाड़ी चली जीव तापरे मु पुणी गभीर शोक रे निमज्जित हेबि। हे परम गुरु भावरे आपण को आमे कृत हे परम गुरु भावरे आपण को आमे कृतज्ञता ज्ञापन करबा कथा आपण हमकु दुर्लभ आपण हमकु दुर्लभ कला ओ विज्ञान शिक्षा दैछथि निज गुरु को संतुष्ट करबा काम कर्तव्य नुहे कि आमे एबे प्रभास क्षेत्र को जीवु ओ आपण पुओ को फेरा जानिबु आपण पुओ को फेरणा को दरकार पड़े आम समुद्र सहित एपरिक जमा सहित मत लड़ब आम को आशीर्वाद कर उद्यम सफल हे ऋषि सांदीपनी दृढ़ निश्चिंत थे जानी से साधारण बालक नुहति तेणु से आशीर्वाद कले और अभियान आरंभ करने अनुमति दे समुद्र आम गुरु सांदीपनी पुत्र को संगे संगे फेराई दियो नहले आमे जो दंड देवु ताहा ग्रहण करने को प्रस्तुत बाड़वाटी स्नान करने समय भाग्यता को गभीर जल को टाणी नेला इतिम्य गुंफारे पांच जन राक्षस गिड़ीदेला कथा है निष्पत्ति आपण ए पांच जन राक्षस किए तुमे कहीं आसीच आम दुई भाई कृष्ण और बलराम कृष्ण बलराम से किए से कौन ये महाबली दानव अधिक शक्तिशाली आम गुरु सांदीपनी का पुत्र को आणिक आम से दुष्ट बालक से समुद्र में बुड़ी की
ଏବେ ମୋ ପେଟ ଭିତରେ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କିପରି ଦେବି ତାକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମୋ ପେଟ ଧନ ତୁ ଫେରି ଆସିଲୁ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ତୁ ଫେରି ଆସିବୁ ମୁଁ ଧନ